दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण संकट के बीच उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर हो या यूपी बिहार, सुबह और रात में ठिठुरन महसूस हो रही है। उत्तर भारत में जहां एक वो तापमान गिर रहा है, वहीं दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा के तापमान में भी गिरावट जारी है, जबकि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और धुंध के चलते लोग परेशान हैं। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। शुक्रवार सुबह यहां पर औसत AQI 371 दर्ज किया गया, जबकि आज सुबह राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में धुंध और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई नजर आई। कई इलाकों में AQI 400 के पार हो चुका है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब बना हुआ है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली के तापमान में और कमी होने की संभावना नहीं है। पूर्वानुमान के मुताबिक इस हफ्ते स्मॉग छाया रहेगा। दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक रह सकता है। 23 से 25 नवंबर के बीच अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री तक रह सकता है। सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा, वहीं इसके बाद तापमान में कमी आएगी। 26 और 17 नवंबर को अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री नवंबर के बीच रह सकता है। बात दिल्ली से सटे राज्य दिल्ली हरियाणा की करें तो इन दोनों ही राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ में ठंड पड़ने लगी है। आज की बात करें तो पंजाब में लोगों की शुरुआत घने कोहरे के बीच हुई है। आज अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 14 से 9 डिग्री के नीचे भी जा सकता है। हरियाणा की बात करें तो यहां की सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। आज अधिकतम तापमान 28 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 15 से 8 डिग्री तक नीचे जा सकता है। इस तरह चंडीगढ़ में भी ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे नीचे जा सकता है। आगे इसके और भी घटने के आसार हैं। राजस्थान में भी सर्दी ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। रात को न्यूनतम 12 6 से 7 डिग्री नोट किया जा रहा है। आज के बाद ठंड और बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी कई इलाकों में ठंड के साथ कोहरा पड़ने की संभावना है। यूपी में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 13 डिग्री के बीच रहेगा, हालांकि बारिश की कोई संभावना नहीं है। बात पहाड़ी राज्यों की करें तो यहां भी ठंड का अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। आज उत्तराखंड में लोगों की सुबह घने कोहरे के बीच हुई। आज अधिकतम तापमान 20 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 5 तो कहीं माइनस में भी जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में आज के बाद अगले 2 दिनों तक घना कोहरा देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक जा सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।